आई होप सो कि अब मेरी आवाज़ को आप सुन पा रहे हैं कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ के वजह से कई बार बीच में अगर टूट जाए लाइव रिकॉर्डिंग तो उसके लिए मैं पहले से माफ़ी मांग ले रहा हूँ ये मेरी तरफ से किया जाने वाला पहला वीडियो लेक्चर है लाइव में जो जा रहा है ठीक है तो मैं भी आपके तरह सीख ही रहा हूँ तो पिछले बार तो क्या हुआ कि वीडियो मुझे लगा था कि लगातार स्ट्रीम हो रहा है लेकिन स्ट्रीम हो नहीं रहा था तो मैं पढ़ाते चला गया तो इसको ज़रा फिर से एक बार देख लें आप मैं आपको सवाल ये दिया था करने के लिए आपके रिवीजन कर लेने के बाद आपको सवाल ये दिया था करने के लिए मैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करें आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करिए आप इस दिए हुए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का ठीक है यह है सवाल तो अगर आप अभी तक नहीं किए हुए थे तो इसको जरूर कर लीजिए और मैं आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को पॉज कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को अच्छे से देख करके वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसे कन्वर्ट कर लीजिए तब तक मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आप इसे सॉल्व करें इट बच्चों चलिए भाई तो हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं जितना भी डिस्टरबेंस था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है अब किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं रहेगा ठीक है ना तो ये बना हुआ था एक्सेलरेशन ग्राफ हम लोग इसे कन्वर्ट कर रहे थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो बहुत ध्यान से सुनो आ, यहां पर रिप्रेजेंटेड है शुरुआती दो सेकेंड्स के लिए एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मेंटेन है तो इस एक्सेलरेशन का मतलब हम लोग समझेंगे कि आखिर क्या है और इस बात से अंदाजा लगाएंगे कि जो भी गाड़ी है उसमें वेलोसिटी किस तरह से बदल रही होगी ठीक है ना तो समझते हैं एक्सेलरेशन टू मी टू सेकेंड्स तक अगर है तो एक्सेलरेशन को लिखने का तरीका टू मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड तो प्रति सेकेंड टू मीटर पर सेकेंड का अगर बदलाव आ रहा होगा तो दो सेकेंड में जो वेलोसिटी बन के हो चुकी होगी वो होगी फोर मीटर पर सेकेंड की तो इस वजह से वेलोसिटी इस तरह से बढ़ते हुए हम लोग दिखा देंगे समझ पाए इस बात को लगातार एक्सेलरेशन दो सेकेंड तक मेंटेन होने के वजह से वेलोसिटी बढ़ते चली जाएगी और वेलोसिटी को बढ़ता हुआ हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिए हैं ठीक है ना अच्छा यहीं पर एक और बात को गौर करना शुरुआती दो सेकंड में कभी भी आप इस कर्व का जो अभी अभी कर्व हम लोग बनाए हैं ये लाइन जो हम लोग ड्रॉ किए हैं इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से बनने वाला एंगल ये एंगल ये एंगल समय के बीतने के साथ बदल नहीं रहा कम से कम दो सेकंड के लिए इस दो सेकंड के दौरान स्लोप इस लाइन का बदल नहीं रहा ऐसा क्यों क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आप स्लोप देखते हैं तो आप एक्सेलरेशन ही तो देखते हैं और एक्सेलरेशन फिक्स वैल्यू रखा हुआ है कम से कम शुरुआती दो सेकंड्स के लिए जरूर समझ सके मेरी बात खैर तो इसके आगे की बात अब मैं करता हूं देखो अगले दो सेकेंड्स के लिए एक्सेलरेशन है जीरो तो इस बात को कैसे दिखाया जाए तो अगले दो सेकेंड्स के लिए एक्सेलरेशन जीरो इसका मतलब होगा एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या वेलोसिटी जीरो नहीं एक्सेलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी बदल नहीं रहा और वेलोसिटी है कांस्टेंट। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो इसे इस तरह से दिखाया जाएगा ऐसा तो अक्सर हम लोग किए हुए हैं और फिर से अगले दो सेकेंड्स के लिए यानी चार से छह सेकेंड्स में अगर हम लोग देखें तो एक्सेलरेशन का वैल्यू टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है फिर से और एक्सेलरेशन टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब फिर इस फोर मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फिर से वेलोसिटी बढ़ने लगना चाहिए अगले लगातार दो सेकेंड्स तक है कि नहीं ऐसा तो इस कारण से फिर से वेलोसिटी को मैं बढ़ता हुआ दिखाऊंगा छह सेकेंड्स तक आई होप क्लियर हूं मैं तो चार से लेके आठ हो गया वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड्स में और फिर से आप देखें ग्राफ को एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को उसमें आपको यह नजर आएगा कि छह सेकेंड से आठ सेकेंड्स तक दोबारा से एक्सेलरेशन है जीरो तो इस वजह से वेलोसिटी मेंटेन रह जाएगी कांस्टेंट वेलोसिटी में बढ़ोतरी होना ही नहीं है और फिर से आठ सेकंड से दस सेकेंड तक इस तरह से बढ़ते चली जाएगी वेलोसिटी एंड सो ऑन इस तरह से हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट कर दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख रहे थे हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ उससे पता चला हमें टाइम ग्राफ का ठीक है आई होप सो कि आप खुद से मुझसे पहले सॉल्व कर लिए थे हम लोग क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं फिर ठीक क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट ऐसा कुछ बना हुआ है देखिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में बार बार आपको दे रहा हूं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ मैं आपको बार बार दे रहा हूं आपको पता करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा तो पूरा समय लो हो सके तो वीडियो को पॉज भी कर लो ठीक है ना लेकिन इस एक्सेलरेशन ग्राफ को समझो अच्छे से और इसको फिर टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करो मैं इंतजार कर रहा हूं आप करिए इसे चलिए भाई आ, अगर और ज्यादा समय की जरूरत रहेगी आपको तो आप बिल्कुल वीडियो को पॉज कर लीजिए लेकिन मेरे सॉल्यूशन बताने के पहले आपके पास नोटबुक में सॉल्यूशन बना हुआ ही होना चाहिए तभी आप सीख पाएंगे फाइनली खैर तो इस ग्राफ को मैं समझाने मात्र के लिए अलग अलग टुकड़ों में देखता हूं चलो टोटल पांच अलग अलग टुकड़ों में एक्सेलरेशन ग्राफ को दिखाया गया था सवाल में पहले टुकड़े के बारे में बात करते हैं आसान है समझना वेलोसिटी ज़ीरो से शुरू हो करके यही माना जाएगा कि वेलोसिटी ज़ीरो से शुरू हो रही है वेलोसिटी ज़ीरो से शुरू हो करके दो सेकेंड्स तक लगातार बढ़ते रहेगी टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से तो फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का तो फोर मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी हो ही जाना चाहिए ठीक अच्छा अब की बार दो से लेकर चार सेकंड तक देखिए एक्सेलरेशन कितना है दूसरे पार्ट की बात कर रहा हूं मैं तो एक्सेलरेशन का वैल्यू चूंकि ज्यादा है तो पिछले वाले दो सेकंड में एक्सेलरेशन था टू मीटर पर सेकंड। जीरो से दो सेकंड्स के लिए एक्सेलरेशन था टू मीटर पर स्क्वायर का लेकिन अगले दो सेकंड में यानी कि दो से चार सेकंड्स तक के लिए जो एक्सलेशन है वो है फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का तो इस बार सही सही ग्राफ बनाना भाई आप कोशिश किए रहिए अच्छे से हमें और ज्यादा वाई एक्सिस की जरूरत पड़ेगी इसके लिए मैं इसको और ऊंचा तक उठा दिया ऐसे देखो ठीक है ना चार सेकेंड्स में वेलोसिटी कितनी अचीव हो चुकी होगी यह समझने की कोशिश करते हैं चलिए तो दूसरे पार्ट को अगर आप देख रहे हो इसमें दो सेकेंड्स तक लगातार फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के वजह से यह पूरा का पूरा होना चाहिए चेंज इन वेलोसिटी और वेलोसिटी पहले से फोर मीटर पर सेकेंड हो चुकी है दो सेकेंड पर ही वेलोसिटी टू मीटर पर सेकेंड हो चुकी थी तो एट का इंक्रीज आकर के फाइनली जो वेलोसिटी आएगी वो आनी चाहिए 12 मीटर पर सेकेंड ऐसे शायद यहां पर कहीं आए वो 12 मीटर पर सेकेंड का समझ सके मेरी बात को देखिए और ज्यादा ध्यान से ये बना हुआ है ग्राफ इस ग्राफ में पॉइंट्स का अगर मैं नाम लगा दूँ तो ए बी एक लाइन है और बी सी एक लाइन है तो ए से लेके बी तक एक सिंगल स्ट्रेट लाइन है और बी से लेके सी तक अलग से एक दूसरा स्ट्रेट लाइन है ठीक है ना दोनों अलग अलग स्ट्रेट लाइन है और यहां पर बनने वाला कुछ ना कुछ एक कोना है एक कॉर्नर है ठीक है ये एकदम परफेक्ट सिंगल स्ट्रेट लाइन है कि नहीं नहीं है अच्छा एक और बात यहीं पर ऑब्जर्व करने के लिए देखिए क्या है यहां पर पहली लाइन ए बी के लिए जो स्लोप आएगा और जो दूसरी वाली लाइन बी सी के लिए जो स्लोप आएगा क्या दोनों स्लोप्स आपस में बराबर होंगे सोचे जरा आप अच्छे से तो अगर इस एंगल को मैं अल्फा बोल देता हूं इस एंगल को बीटा बोल देता हूं तो क्या अल्फा और बीटा एंगल्स आपस में इक्वल होंगे क्या नहीं बिल्कुल नहीं ठीक ऐसा इसलिए क्योंकि टेन अल्फा और टेन बीटा ही तो एक्सेलरेशन है तो टेन अल्फा का वैल्यू है कितना एक्सेलरेशन टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए बी वाले हिस्से में और टेन बीटा का वैल्यू वो टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है तो स्लोप्स डिफरेंट हैं यहां पर इस तरह से ग्राफ जाएगा आ, देखने में ठीक नहीं लग रहा इसी ग्राफ को और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करता हूं मैं देखिए ऐसे फिर से मैं बस ड्रॉ कर दे रहा हूं पूरी चीज को ताकि एक ही ग्राफ में मैं पूरा कंप्लीट कर डायग्राम डाय तो फर्स्ट पार्ट के लिए अगर मैं दिखा देता हूं कुछ इस तरह से वेलोसिटी का बढ़ना दो सेकंड में तो अगले दो सेकंड में फिर कुछ ज्यादा ही वेलोसिटी का बढ़ना दिखाना जरूरी है ऐसे दिखाया जाना चाहिए वेलोसिटी को बढ़ते हुए इतना समझ गए समय बीत चुका है चार सेकेंड और चार सेकेंड से छह सेकेंड के बारे में अब अगर आप सोचिएगा तो दोबारा से एकदम शुरुआत वाली लाइन के जैसी लाइन यहां पर स्लोप देखिए घट गया कहने का मतलब फिर से यह एंगल का अगर नाम है थीटा और इस एकदम शुरुआती वाले एंगल का नाम है अल्फा तो अल्फा और थीटा आपस में इक्वल है सके बात चार से छह सेकंड के दौरान जो एक्सेलरेशन है यानी तीसरा वाला हिस्सा टाइम ग्राफ में और तो शुरुआती दो सेकंड में जो एक्सेलरेशन है दोनों ही आपस में इक्वल है से दोबारा से वैसा ही कर्व में दिखाना शुरू कर दिया चार से छह सेकंड के दौरान और फिर चार से छह सेकंड के आगे की बात करता हूं तो एक्सेलरेशन हो गया था चार से चार से छह सेकंड के आगे यानी छह से आठ सेकंड फोर्थ पार्ट के बारे में बात कर रहा हूं मैं फोर्थ पार्ट के बारे में तो हो गया है जीरो इसका सीधा मतलब वेलोसिटी में बदलाव नहीं आ रहा है इस बार और ये वेलोसिटी फ्लैट हो जाएगी ऐसे बिल्कुल ग्राफ जाना चाहिए ये बात समझ सके क्या हो गया यहां पर एक्सलरेशन जीरो इसका सीधा मतलब वेलोसिटी में चेंज आना बंद यही बात मैं दर्शा दिया यहां पर अच्छा अब फिर पांचवें हिस्से के बारे में बात है तो पांचवें हिस्से में क्या है एक्सेलरेशन दोबारा से टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इस कारण से ऐसा एक ग्राफ दिखाया जाना चाहिए तो दस सेकंड तक के बारे में बात हो गई तो इस तरह से हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ कर दिया वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ देख रहे थे हम लोग शुरुआत से ही एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को इसी को कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक छोटी सी बात जो मुझे एकदम शुरुआत में बतानी चाहिए थी बताया भी था शायद रिकॉर्ड नहीं हो पाया उस समय इनिशियल वेलोसिटी को हमें मानना है जीरो हर बार ठीक जितने पार्ट्स दे रहा हूं प्रत्येक हिस्से में आप यही मानेंगे इनिशियल वेलोसिटी यानी शुरुआती वेलोसिटी को जीरो मानते हुए कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व ठीक थर्ड पार्ट के तरफ आगे बढ़ते हैं और आपका पूरा फोकस और कंसंट्रेशन क्वेश्चन को सॉल्व करने पर हो बस मैं एक बार देख लूं कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं आ, ठीक है, होपफुली सब कुछ फाइन है थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट करते हैं हम लोग और इस बार से हम लोग कठिन कर देंगे इसे तो आप पूरी तरह से कोशिश करिए खुद से सॉल्व करने का दोबारा से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करूंगा आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है और एकदम अच्छे से कहूं तो आज की क्लास यहीं से शुरू हो रही है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखिए मैं कैसा बना रहा हूं यह आठ सेकंड में आठ सेकेंड तक के लिए इस तरह से एक्सेलरेशन लगातार बढ़ते जा रही है एक्सेलरेशन में लगातार बढ़ोतरी हो रहा है यही बात एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से दिखाया गया एक्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन में होमवर्क में भी दिया था इसी को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं लेकिन तुम अपना बेस्ट कोशिश करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक बार कोशिश कर लो ठीक करिए सॉल्व इसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसे कन्वर्ट करना है चलो ये मानूंगा मैं कि वीडियो को पॉज कर लेंगे आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और वीडियो को पॉज करके फाइनली आप क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कर लीजिएगा मेरे सॉल्व करने के पहले ठीक मैं सॉल्व करना शुरू करता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का टोटल दो मेथड हो सकता है पहला एकदम मैथमेटिक्स का यूज करके और दूसरा बिना किसी मैथमेटिक्स का यूज किए केवल समझ समझ के तो पहले केवल समझ समझ के कोशिश करते हैं देखो एकदम शुरुआत में अगर आप ध्यान दें इस हिस्से में एकदम शुरुआती एक नैनो सेकंड में मान लो सिर्फ इस छोटे से टाइम में मैं देखूं अगर स्मॉल टाइम इस छोटे से हिस्से में अगर मैं देखूंगा तो एक्सेलरेशन कम आएगा कि बहुत ज्यादा आएगा तो एकदम छोटे से टाइम इंटरवल में सोच रहे होंगे छोटा सा टाइम इंटरवल मतलब कितना छोटा टाइम इंटरवल तो एकदम से इतना छोटा टाइम इंटरवल देखिए एकदम से छोटा सा टाइम इंटरवल यहां पर है इसी को बस बड़ा करके सोच रहे हम एकदम छोटे से शुरुआती टाइम इंटरवल में देखें अगर मतलब एक नैनो सेकेंड में सोचे अगर तो एक्सेलरेशन कितना माना जाएगा जीरो ठीक तो सबसे पहले तो हम लोग केवल एक नैनो सेकेंड को हम लोग यहां पर रिप्रेजेंट कर देंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में छोड़ो थोड़ी देर के लिए दो चार छह आठ दस बारह यह सबको छोड़ो मैं ये कह रहा हूं कि एक नैनो सेकेंड है ये तो केवल एक नैनो सेकंड में चुकी एक्सेलरेशन काफी कम है इस वजह से एक्सेलरेशन को जीरो मान लिया हूं समझे अभी सोच रहे हैं हम लोग ठीक एक नैनो सेकंड में नैनो सेकेंड मतलब बहुत छोटा टाइम इंटरवल उसमें अगर सोचेंगे तो एक्सेलरेशन को जीरो मान लिया गया है इस कारण से वेलोसिटी में बढ़ोतरी हुई ही नहीं ठीक अच्छा फिर अगले एक नैनो सेकेंड में सोचिए यानी एक नैनो सेकेंड से लेकर दो नैनो सेकेंड तक सोचिए जरा क्या हुआ किस हालत में है एक्सेलरेशन तो मैं ये कह रहा हूं कि अगले नैनो सेकेंड में सोचें अगर हम लोग पहला वाला नैनो सेकेंड हो गया अब दूसरा वाला नैनो सेकंड सोचेंगे तो एकदम शुरुआत में जितना भी एक्सेलरेशन था मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो एकदम शुरुआत में जितना भी एक्सेलरेशन था उससे बढ़ गया है कि नहीं एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन हैज स्लाइटली इंक्रीज शुरुआत में चलो मान लेता हूं मैं कि एकदम कम जीरो था एक्सेलरेशन एकदम शुरुआत में लेकिन उसके एक नैनो सेकेंड के बाद कुछ तो हुआ ना एक्सेलरेशन। इस कारण से हम लोग टाइम ग्राफ में अगले एक नैनो सेकेंड में भी वेलोसिटी को जीरो दिखा वेलोसिटी को बढ़ता हुआ न दिखाएं तो गलत हो जाएगा अगले एक नैनो सेकेंड में एक्सेलरेशन आ गया है भले पहले एक नैनो सेकेंड में एक्सेलरेशन जीरो रहे मान लो लेकिन अगले एक नैनो सेकेंड में कुछ तो आ जाएगा एक्सेलरेशन इस वजह से ग्राफ ऐसा जाना चाहिए वेलोसिटी थोड़ा सा बढ़ना चाहिए फिर से सुनो एकदम शुरुआती एक्सेलरेशन जीरो है लेकिन उसके बाद एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ है शुरुआत में वेलोसिटी बढ़ नहीं रही थी क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो थी और उसके अगले वाले एक नैनो सेकेंड में वेलोसिटी का बढ़ना शुरू हो चुका है फिर एक और नैनो सेकेंड में सोचें आप अगले नैनो सेकेंड में मतलब बहुत छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में देखें अगर आप तो एक्सेलरेशन लगातार बढ़ रहा है इस बात को आखिर टाइम ग्राफ में कैसे दिखाया जाए पहले नैनो सेकंड में तो एकदम नहीं बढ़ा दूसरे नैनो सेकंड में थोड़ा सा बढ़ा लेकिन उसके भी अगले वाले नैनो सेकंड में ना कुछ ज्यादा ही बढ़ा क्यों क्योंकि यहां पर हाई एक्सेलरेशन है हाई ए फॉर एक्सेलरेशन यहां पर मीडियम एक्सेलरेशन और यहां पर रोलरेशन मतलब समझे मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहां पर दिखाया यह जा रहा है कि एक्सेलरेशन लगातार समय के बीतने के साथ बढ़ते जा रहा है समझे मेरी बात को तो शुरुआती एक्सेलरेशन जीरो फिर एक्सलरेशन थोड़ा सा हो गया फिर एक्सेलरेशन और ज्यादा हो गया इस बात को और क्लियरली देखो तुम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं हम लोग ठीक है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप देखिए इस एंगल को ये वाला एंगल कुछ समय बाद यही वाला एंगल फिर से बढ़ गया है कुछ और समय बाद देखा जाएगा तो एक्सेलरेशन चूंकि और ज्यादा बढ़ते चला जा रहा था इस वजह से अगले एक नैनो सेकेंड में फिर से बढ़ोतरी होनी है और पिछले बार जितनी मात्रा में वेलोसिटी में बढ़ोतरी हुई थी उससे भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी इस बार ठीक तो लगातार ये एंगल हॉरिजॉन्टल से बनने वाला ये बढ़ते चला जा रहा है तो ये तो रफ वर्क कर रहे थे हम लोग सिचुएशन को समझने के लिए हालत को परिस्थिति को अच्छे से समझने के लिए ये सब काम कर रहे थे अब मैं फाइनल आंसर बना रहा हूं कि क्या आएगा ठीक है अंदाजा तो लग ही गया कि कैसा रहने वाला है ग्राफ अब अंदाजा लगा लेने के बाद फिर फाइनली आंसर बनाते हैं कि कैसा आना चाहिए एक्सेलरेशन लगातार बढ़ रहा है समय के बीतने के साथ तो इस बात को दिखाने के लिए हम लोग करते क्या है? एक ऐसा ग्राफ बनाते हैं वेलोसिटी का जिसमें की वेलोसिटी में बढ़ने का दर लगातार बढ़ रहा है यानी कि स्लोप शुरुआत में कम है पिछला रफ डायग्राम कैसा बनाए थे फिर से देखो तुम ऐसे था फिर 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 ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था। इसी के ऊपर मैं एक स्मूथ लाइन बना दूंगा बस कैसा तो ये देखें आप एक परफेक्टली ऐसा जाता हुआ ग्राफ रहेगा ये ये स्ट्रेट नहीं है बिल्कुल ये कर्व्ड है ऐसे ये कर्व्ड क्यों बनाना पड़ा हमें तो ये आंसर बना देने के बाद आप साफ साफ ये इस बात को जरूर दिखाएंगे कि शुरुआत में स्लोप कम है और बाद में स्लोप ज्यादा है ये कैसे समझा जाए देखिए और ज्यादा गौर से आ, ये वाले एंगल को आप नाम देंगे नोटबुक में ड्रॉ करिए इस एंगल को लिखे आप अल्फा इस ऊपर में बनने वाले एंगल को यहां पर वाले एंगल को लिखेंगे आप बीटा और आप मुझे बताइए अल्फा ज्यादा है कि बीटा ज्यादा है तो अल्फा और बीटा दोनों ही अपने आप में नापते हैं एक्सेलरेशन को उस खास वक्त पर तो अल्फा जिस जगह पर नापा गया है यानी अंदाजे से इस जगह पर और बीटा जिस जगह पर नापा गया है यानी अंदाजे से इस जगह पर ए और बी पॉइंट्स पर अल्फा और बीटा अगर नापा गया तो ए और बी पॉइंट्स में से कहां पर एक्सेलरेशन ज्यादा है तो बी पॉइंट पर एक्सेलरेशन ज्यादा है बीटा का वैल्यू ज्यादा होगा टेन अल्फा के मुकाबले और इसी कारण से बीटा का वैल्यू भी ज्यादा होगा अल्फा के मुकाबले आई होप आप देख पाए और अच्छे से समझ भी पाए तो ये तो एक तरीका हुआ समझने का जिसमें कि हम लोगों ने क्या किया वेलोसिटी को लगातार बढ़ते हुए तो दिखाए हैं लेकिन स्ट्रेट लाइन में नहीं दिखाए अगर मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अल्फा और बीटा बराबर हो गया होता तो ये कर्व आने के बजाय एक स्ट्रेट लाइन आया होता जैसा कि पिछले बार आ रहा था शुरुआती दो सेकंड में कम से कम समझो मेरी बात को अब इतना समझना पड़ेगा आपको ठीक है खैर तो हम लोगों ने सॉल्व कर दिया एक मेथड अभी तक मैं आपको बताया हूं और दूसरा वाला मेथड प्योर मैथमेटिकल मेथड है ये क्या है मेथड तो समझो इस बात को एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करके आखिर हम लोग वेलोसिटी तक कैसे जाते हैं समझना जरा गौर से हमें यह पता है कि वेलोसिटी अगर लिखा हुआ है मान लो कहीं पर मान लो टी स्क्वायर तो एक्सेलरेशन कैसे निकलता है याद है डिफरेंशिएशन के सही इस्तेमाल से तो टू टी यह आ जाता था तो बस मैं याद दिला रहा था आपको वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाने का तरीका था डिफरेंशिएशन ठीक तो अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ रहेगा तो हम लोग वेलोसिटी तक कैसे जाएंगे तो एक्सेलरेशन दिया हुआ रहेगा तो वेलोसिटी तक जाने का क्या तरीका है एंटी डिफरेंसिएशन मतलब का जो भी उल्टा काम होता है वो कर देंगे बस अभी इतनी बात को समझे रहो फिलहाल अब देखिए ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो बना हुआ है इसको हम लोग ऐसा कहीं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन सुने हो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है क्लास टेंथ में आप सीखे होंगे इसको तो मैं मान के चलता हूं कि इतना आप जानते हैं तो इस स्ट्रेट लाइन का हम लोग इक्वेशन लिखेंगे और ओरिजिन से पास करने वाला चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होना चाहिए तो ध्यान दो आठ सेकंड में चार मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सलरेशन आ गया तो A equals to, लिखा जा सकता है जीरो पॉइंट फाइव इंटू वर्सेस टी का एक इक्वेशन आ गया जिसका यह ग्राफ बना हुआ था शुरुआत में सवाल में जो लिखा गया था यह ज्यादा कुछ नहीं वाई इक्वल्स टू एम एक्स लिखा हुआ है सी कहा गया ओरिजिन से पास कर रहा है इसलिए सी का वैल्यू जीरो है. X का मतलब यहां पर क्या है तो टाइम वाई का मतलब यहां पर क्या है तो एक्सेलरेशन आप देखिए टी का वैल्यू एट सेकेंड सब्सटीट्यूट कर दो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन ए एक का वैल्यू तो कहने का मतलब ये अगर प्योर मैथमेटिकली सोचा जाए तो एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो क्या होना चाहिए था ताकि डिफ्रेंसियन करने के बाद यह आ जाए समझे नहीं मेरी बात मैं ये कह रहा हूं कि वेलोसिटी क्या रख दिया जाए यहां पर टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू रख दो यहां पर तो ये जो मैं वेलोसिटी लिखा हूं ऐसे इसको डिफरेंशियट करके देख लीजिए आप एक्सेलरेशन ये आ जाएगा तो v का वैल्यू आया कितना फाइनली डिवाइडेड आ रहा है ना पॉइंट फाइव ये हो गया और टी स्क्शियन टू टी हो जाएगा टू टू कैंसिल हो जाएगा फाइनली यही एक्सेलरेशन आ जाएगा तो वेलोसिटी का वैल्यू है टी डिवाइडेड बाई फोर यह हम लोग प्योर मैथमेटिक्स से भी समझ सकते हैं और इस एक्सलर इस वेलोसिटी के फॉर्मूले को ग्राफ में अगर दिखा दिया जाएगा तो ग्राफ ऐसा ही तो बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा ही तो बनेगा ये वी और ये टी है तो टी स्क्वायर बाई फोर के लिए जो ग्राफ बनना चाहिए वो मुझे बना देना चाहिए ये एक पैराबोलिक ग्राफ आएगा इस तरह से यही तो हम लोग समझे थे यहां पर यहां पर देखो कि बढ़ता हुआ स्लोप होना चाहिए ठीक चलिए थर्ड पार्ट तो क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व किए लेकिन इसे जो सीखने को मिला जो कुछ भी सीखने को मिला खैर दो मेथड बताया मुझे पता है पहला वाला मेथड ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा अगर थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो तो एक काम करते हैं हम लोग यहीं पर जरा सा ठहर के बस है ना जो सीखे हैं इसको फाइनलाइज कर लेते हैं मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में नहीं कोई भी वाई एक्सिस कोई भी एक्स एक्सिस के बारे में बात कर रहा हूं और मैं इस ग्राफ पर चर्चा करना चाहता हूं ठीक इस तरह से कर्व बना हुआ है ये ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देख लें बस एक बार तो अपना काम हो जाएगा इस ग्राफ में बस आपको ये याद रखना होगा कि स्लोप का वैल्यू शुरुआत में ज्यादा है कि बाद में ज्यादा है मतलब ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर दोनों पॉइंट्स में से किस पॉइंट पर स्लोप की मात्रा ज्यादा है यह अल्फा एंगल है और यह बीटा एंगल है तो अल्फा ज्यादा है कि बीटा बीटा चूंकि ज्यादा है इस वजह से इस तरह के कर्व को कहते हैं हम लोग इंक्रीजिंग स्लोप इंक्रीजिंग स्लोप कर्व ये एक ऐसा बना हुआ कर्व है जिसमें कि स्लोप लगातार बढ़ रहा है ठीक तो चलिए यह मान के चलूंगा आप मैं कि एक्सेलरेशन अगर इस तरह से बढ़ता हुआ दिखे तो आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक ऐसा ग्राफ बनाते हैं जिसमें स्लोप ही बढ़ रहा हो और दोबारा से जरूरत पड़ने पर आप यह काम कर लेंगे ठीक थर्ड पार्ट के बाद फोर्थ पार्ट के बारे में बात करते हैं सेम वही काम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे दूंगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने के लिए समय दूंगा इस बार क्या है देखिए कि एक्सेलरेशन इस बार बढ़ नहीं रहा समय के बीतने के साथ इस तरह से घट रहा है इस तरह से एक्सेलरेशन लगातार समय के बीतने के साथ घट रहा है एक बार कोशिश करो अपना पूरा दिमाग इस्तेमाल करके वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ करने का एक बार कोशिश करिए आप हम लोग यही मानेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है मैं पहले बोल चुका हूं इनिशियल वेलोसिटी जीरो है आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए वीडियो को पॉज मत करिएगा तब तक मैं देख लेता हूं कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चलिए भाई मुझे लगता है कि समय और ज्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अच्छा कुछ बच्चों को हाँ किसी का सवाल यह है कि सर अल्फा अगर ज़्यादा होने लगेगा बीटा से तो क्या होगा ठीक तो अच्छा क्वेश्चन है यही बात को हम लोग सीख रहे होंगे फोर्थ पार्ट में इस पार्ट को आप सॉल्व करिए इसमें आपको ऐसा दिखेगा कि शुरुआत में स्लोप ज्यादा है बाद में स्लोप कम है ठीक है ना खैर एक इंपॉर्टेंट बात बीच में आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं जरा कि अगर आपको क्लियरली स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है तो आप ज्यादा जानकार हैं आप इस वीडियो की क्वालिटी को कम से कम 360 पिक्सल पर रख लीजिए मतलब तो वीडियो का क्वालिटी चेंज होता है ना मेनू में यहीं पर कहीं पर है ढूंढो और उसमें क्वालिटी ऑफ द वीडियो को कम से कम 360 पी कर दो ठीक उसे तुमको क्लियरली स्क्रीन नजर आ रहा होगा और चीजें और अच्छे से समझ में आ रही होंगी ठीक चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को इस बार साथ में चलो सोचते हैं लेकिन मेरे सॉल्यूशन के पहले आपका सॉल्यूशन हो आपके पास नोटबुक में केवल स्क्रीन पर से सॉल्यूशन उतारने से न तो मेरा फायदा होगा ना तो आपका इतने समझदार हैं आप खैर दोबारा से वही लॉजिक जो पहले डेवलप किए थे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ही तो डेवलप किए थे देखो तुम ध्यान से एकदम शुरुआती एक एक में है ना एक्सेलरेशन फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जीरो तो है नहीं है ना तो क्या इस बार सेम वही पुराने तरीके से अगर सॉल्व किया जाए तो क्या हमें एक नैनो सेकेंड तक के लिए ये पूरा कन्वर्ट कर दिया मैं इसको एक नैनो सेकंड बोल रहा हूं इसको दो नैनो सेकंड बोल रहा हूं इसको नैनो सेकंड बोल रहा हूं तो क्या शुरुआती एक में में कोई बदलाव नहीं आया यह कहना सही होगा क्या सुने नहीं मेरी बात को मैं ये कह रहा हूं कि एक्सेलरेशन इस बार ध्यान से देखो क्या शुरुआत में जीरो है एकदम शुरुआती नैनो सेकंड में क्या एक्सेलरेशन शून्य है नहीं है इस कारण से एक्सेलरेशन एकदम शुरुआती पलों पर देखेंगे एकदम शुरुआती क्षणों में देखेंगे तो भी वेलोसिटी लगातार बदलेगी और इस बात को कैसे दिखाया जाए आखिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में समझिए बड़े ध्यान से कि इस ग्राफ में हम लोग करेंगे क्या इसको इस तरह से शुरुआत से ही दिखाएंगे ऐसे कि समय के बढ़ने के साथ वेलोसिटी तो बढ़ी है भले ही शुरुआती एक नैनो सेकेंड की बात कर रहे हैं पिछले बार एक नैनो सेकेंड में ऐसा क्या हो गया था कि वेलोसिटी को बढ़ता हुआ नहीं दिखाए थे यहां पर देखो तुम एकदम शुरुआत में देखो तो ग्राफ तो एकदम ऐसे ऐसे लेटा हुआ है बिल्कुल ग्राफ एकदम ऐसे करके एकदम शुरुआत में ऐसा क्यों था पिछली बार पिछली बार ऐसा इसलिए था एक मिनट पिछली बार ऐसा इसलिए था क्योंकि शुरुआती एक्सेलरेशन ही जीरो था ठीक और इस बार शुरुआती एक्सेलरेशन जीरो नहीं है इस बार एक्सेलरेशन है दिया हुआ फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर शुरुआत में बिल्कुल तो इस वजह से हम लोग अच्छा खासा उठा हुआ ग्राफ दिखाए मतलब शुरुआत में बनने वाला एंगल ही जीरो नहीं रहेगा बच्चों आगे के क्वेश्चंस में गलती नहीं होनी चाहिए ठीक है यहां पर जितना सीखना है सीख लो तो ये मैं केवल एक नैनो सेकंड के बारे में बात किया अब अगले नैनो सेकंड को ध्यान से देखो ये नेक्स्ट वाला नैनो सेकंड है नेक्स्ट वन नैनो सेकंड यानी एक नैनो सेकंड से लेके दो नैनो सेकंड तक क्या हालत रहा क्या पिछली बार जितना एक्सेरेशन था उतना ही रहा नहीं 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 इस बार एक्सेलरेशन घट गया है कि नहीं ऐसा तो एक्सेलरेशन घट गया है इस बात को कैसे दिखाओगे आप टाइम ग्राफ में चलिए सोचते हैं एक्सेलरेशन का घट जाना इसका मतलब वेलोसिटी में पहली बार जो इंक्रीमेंट आया था मतलब पहले नैनो सेकेंड में पहले नैनो सेकेंड में जितनी भी बढ़ोतरी हुई थी वेलोसिटी में उतनी बढ़ोतरी इस बार नहीं हो सकी फिर से अगर मैं इतने से हिस्से को उठा करके दोबारा से यहीं पर रख देना चाहूं ऐसे तो गलत हो जाएगा ग्राफ ठीक है ना तो क्या रखा जाना चाहिए बताता हूं यहां पर मैं बोल रहा हूं कि ठीक वही पुराना वाला लाइन अगर ऐसे आगे बढ़ा देंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि पिछले नैनो सेकंड में जितना बढ़ा है वेलोसिटी, उतना ही अगले नैनो सेकंड में नहीं बढ़ा दरअसल उससे कम बढ़ा और कम बढ़ा मतलब कैसे दिखाएंगे इस बात को ऐसे दिखाएंगे कम बढ़ा है कितना एक एक नैनो सेकंड से हम लोग समझ रहे हैं बातों को उसके एक और नैनो सेकंड के बाद देखा जाए अगर तो इस बार और कम बढ़ोतरी हुई है ऐसे तो इतना रफ वगैरह काम करने के बाद हम लोगों ने जो सीखा वो यह है कि इस बार शुरुआत में स्लोप ज्यादा होना चाहिए और बाद में स्लोप कम होना चाहिए है ना तो अगर तुमको लगता है कि तुम कर सकते हो तो अभी भी मुझसे पहले बना लो आप नोटबुक में मैं बोला था नोटबुक पेन लेके बैठने के लिए अच्छे से थोड़ा ग्राफ की सफाई करता हूं मैं तब तक आपके तरफ से आंसर आ चुका होना चाहिए था सॉल्व करते हैं फाइनली शुरुआत में एक्सेलरेशन ज्यादा बाद में एक्सेलरेशन कम इस बात को आखिर कैसे दिखाया जाए तो चलो इसको चार सेकंड बोलता हूं इसको आठ सेकंड बोलता हूं इसको बारह सेकंड बोलता हूं तो बारह सेकंड को ध्यान से देखो एक्सेलरेशन हो गया है जीरो बारह सेकंड तक जाते जाते इस बात को ऐसे दिखाया जा सकता है ऐसे गौर से देखो बिल्कुल क्या हुआ है यहां पर सबसे पहली बात शुरुआत में स्लोप है कि नहीं तो इस बात को अलग से लिखें आप इनिशियल इनिशियल स्लोप इज नॉट इक्वल टू जीरो और अच्छे से कहें तो पिछले बार आपको लिखना चाहिए था इनिशियल स्लोप यहां पर शुरुआती स्लोप शायद मुझसे ढक गया होगा ये लेकिन इनिशियल स्लोप इक्वल्स टू जीरो लिखा हूं मैं यहां पर देख लीजिए आप ठीक है ना तो इनिशियल स्लोप इस बार जीरो नहीं है और समय के बीतने के साथ इस बार स्लोप लगातार बढ़ रहा है घट रहा है देखो इस बार स्लोप लगातार घट रहा है फिर से कैसे इस बात को एकदम क्लियरली देखा जाए आप एंगल को देखेंगे एकदम शुरुआती एंगल मान लेते हैं कि यह एंगल है अल्फा थोड़े समय बाद यह एंगल यहां पर जो हॉरिजॉन्टल से बन रहा होगा यह एंगल बनता है बीटा उसके और भी समय बाद चलो मान लेता हूं यहां पर बनने वाला एक तीसरा एंगल इस तीसरे एंगल का मैं नाम रख देता हूं मान लो गामा तो सबसे बड़ा एंगल अल्फा बीटा गामा में से कौन सा है अल्फा अल्फा सबसे बड़ा है उससे छोटा है बीटा और सबसे छोटा है इस डायग्राम के मुताबिक गामा एंगल यह बना हमारे पास घटता हुआ स्लोप का ग्राफ इसमें स्लोप लगातार समय के बीतने के साथ घट रहा है रट जाओ इस बात को ठीक है इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल आने वाला है आगे अच्छा यहीं पर एक और बात है ध्यान देने लायक वो बात ये है ठीक 12 सेकेंड पर एक्सेलरेशन क्या हो गया है जीरो के बराबर है कि नहीं ऐसा और इस बात को मैं कैसे आखिर दिखाऊं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इस बात को मैं आखिर कैसे दर्शाऊं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कि एक्सेलरेशन जीरो हो गया है समझने वाले समझ गए होंगे अभी तक देखो ठीक 12 सेकंड पर इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप कितना हो गया ठीक 12 सेकंड में यानी कि यहां पर एकदम समतल हो गया है ग्राफ ग्राफ ऐसे बन गया है ये ग्राफ. शुरुआत में एकदम ऐसे था ग्राफ जीरो सेकंड पर चार सेकंड के बाद हल्का सा झुका आठ सेकंड के बाद और ज्यादा झुका और बारह सेकंड पर तो एकदम झुकते झुकते एकदम समतल हॉरिजॉन्टल हो गया है ये लाइन तो यहां पर स्लोप का वैल्यू जरूर लिखना चाहिए आपको जीरो हो गया है और जो कुछ भी सीख के हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जरा इस बात को पक्का करके याद कर लिया जाए ठीक मैं किसी भी तरह के जनरल ग्राफ के बारे में बात कर रहा हूं अगर ये वाई एक्सिस है ये अगर एक्स एक्सिस है और कहीं पर बना हुआ ग्राफ आपको ऐसा दिखे ऐसा दिखे ठीक और बेहतर ऐसा ग्राफ अगर दिखे तो साफ दिख रहा है ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है तो यहां पर क्या है ना कि ये एंगल अगर अल्फा है ये एंगल अगर बीटा है तो अल्फा ज्यादा है बीटा के मुकाबले और साथ ही साथ इस ग्राफ के इस कर्व के बारे में आप जरूर लिखें कर्व विथ बढ़ता हुआ स्लोप की घटता हुआ स्लोप डिक्रीजिंग स्लोप घटता हुआ स्लोप है ये डिक्रीजिंग स्लोप ठीक तो चलिए थर्ड पार्ट को और फोर्थ पार्ट को वीडियो को पॉज करो थर्ड पार्ट को और फोर्थ पार्ट को एकदम इतमान से एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो कि कैसे करके हम लोगों ने सॉल्व किया अंदाजे से ठीक क्योंकि फिफ्थ पार्ट इन दोनों का ही मिक्सचर रहने वाला है फिर आप संभालिएगा खुद से जरूरत पड़ने पर वीडियो को पॉज करके दोबारा से उसको देख लो नोटबुक में अच्छे से समझ के आगे बढ़ो ठीक है ना हम लोग फिलहाल यहां पर तो फिफ्थ पार्ट में आगे बढ़ रहे हैं फिफ्थ पार्ट है सवाल का फिर से वही एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप गलत कर दो आप करना मत गलत ऐसे यह ग्राफ जाता है चार सेकंड में बढ़ते बढ़ते जीरो से बढ़ते बढ़ते एक्सेलरेशन फोर मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है और उसके बाद फिर अगले चार सेकेंड्स तक ये कांस्टेंट रह जाता है ठीक है इस बात को जरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दिखाइए ये, ये ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है या मुझे लगता है कि आप बिल्कुल कर सकते हैं इसे करिएगा अच्छे से मैं इंतजार कर रहा हूं तब तक मैं कन्फर्म कर लूं कि सारे बच्चे कर ली देख पा रहे हैं कि नए वीडियो को आप क्वेश्चन सॉल्व करिए चलिए ठीक है हाँ कई बच्चों का ये पूछना है कि अब बच्चे हैं कि बच्चे नहीं हैं मुझे नहीं पता मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी मैक्सिमम वेलोसिटी भी पता कर सकते हैं हम लोग कि कितनी होगी लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों की कोशिश ये है कि हम लोग बढ़ते हुए स्लोप और घटते हुए स्लोप पर फोकस रखें अपना ठीक है हालांकि मैं बता देता हूं कि मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे पता करेंगे बाकी बच्चे जरा इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना जो मैं दे रहा हूं फिफ्थ वाला पार्ट को आप को, कोशिश करिए सॉल्व करने का यहां पर हम लोग समझते हैं कि आखिर कितना होना चाहिए मैक्सिमम वेलोसिटी एक सीधी बात कोई भी क्वांटिटी अगर मैक्सिमम होती है तो उसका डिफरेंसिएशन उस वक्त होना चाहिए जीरो तो वेलोसिटी अगर मैक्सिमम है तो उसका डिफरेंसिएशन यानी कि एक्सलरेशन जीरो होना चाहिए तो मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी एट कब है ध्यान से देखो तो टी इक्वल्स टू ट्वेल्व सेकेंड पर बारह सेकेंड पर जाके वेलोसिटी हो जाती है मैक्सिमम uh, और बारह सेकेंड पर वेलोसिटी आखिर होगी कितनी तो ये पता करने के लिए हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया निकाल लेंगे तो इससे चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा हमें उसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे लेकिन अभी फिलहाल हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में घटता हुआ स्लोप और बढ़ता हुआ स्लोप कैसे पता किया जाता है चेंज इन आएगा कितना हाफ बेस इनटू हाइट कर दो छह गुने चार चौबीस मीटर पर सेकेंड सही बोला सिक्स सेकेंड बारह सेकंड का बेस हुआ हाइट हो गया चार तो हाफ गुने बारह गुने चार चौबीस मीटर पर सेकेंड का मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है वेलोसिटी के लिए ये फोर्थ पार्ट की बात थी लेकिन मैक्सिमम मिनिमम के बारे में अभी नहीं बात कर रहा मैं पहले कर्व का नेचर क्या होगा इस पर फोकस है हम लोगों का ठीक चलिए तो अब तक मुझे लगता है कि फिफ्थ पार्ट को आप सॉल्व कर लिए होंगे मैथ्स वाले मेथड से बताओ सर अच्छा ठीक है मैं मैथ्स वाले मेथड से बताने की कोशिश करता हूँ कौन से पार्ट को फोर्थ पार्ट को ठीक है ना मैथ्स वाले मेथड से अगर मैं बताऊंगा तो शायद सिर्फ मैथ्स वाले बच्चे ही समझ पा रहे होंगे लेकिन कोई बात नहीं आप पूछ रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूं हम लोग पिछले बार क्या किए थे इस स्ट्रेट लाइन का ना इक्वेशन लिख लिए थे तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन एक बार कोशिश करो आप लिखने का इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप एक बार कोशिश करो लिखने का इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनेगा ए इक्वल टू वाईक्वल टू एम एक्स प्लस सी यूज कर रहा हूं मैं ठीक है ना क्लास टेंथ तक में जो भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह सीखे हुए हैं उसका सही इस्तेमाल करें एक्सेलरेशन इक्वल्स टू निकल के आ रहा है फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस कितना टी ट्वेल्व सेकेंड्स में यह गायब हो जा रहा है तो टी बाई थ्री यूनिट हटा देता हूं तो फोर माइनस टी बाई थ्री ये आया एक्सेलरेशन का वैल्यू ठीक फंक्शन ऑफ टाइम ये मैथमेटिकली अगर हम लोग सॉल्व करके इसको एंटी डिफरेंसिएशन करें उसका नाम होता है इंटीग्रेशन तो हमें पता चलेगा हमें ये पता करना है ये अंदाजा लगाना है कि ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जिसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंसिएशन करेंगे तो फोर माइनस टी बाई थ्री आ चुका होगा डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कैसे कोरिलेट करता है वेलोसिटी को ये सब कुछ ऑलरेडी बात किए हुए हैं हम लोग ठीक तो वेलोसिटी कैसे अंदाजा लगाएं तो वेलोसिटी हम लोग सोच रहे हैं एक ऐसा चीज जिसका डिफ्रेंसिएशन करने पर एक्सेलरेशन आ जाए तो किसको डिफ्रेंसिएशन करोगे ताकि फोर आ जाएगा फोर टी को डिफ्रेंशिएट करोगे तो फोर आ जाएगा अच्छा माइनस 1 बाई थ्री अलग लिख देता हूं और t t चाहिए अगर तो टी डिवाइडेड बाई टू तो ये जो लिखा हुआ चीज है ना फंक्शन ऑफ टाइम इसी को अगर कोई मैथमेटिकली प्लॉट कर दे तो ये एक पैराबोलिक फंक्शन आएगा जिसमें कि मैक्सिमम ट्वेंटी फोर आएगा ठीक है आप पता करना और बारह सेकेंड पर मैक्सिमम आएगा और इस तरह से एक पैराबोलिक पाथ मिलना चाहिए लेकिन हमारा पर्पज क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बार बार मैं बोल रहा हूं सिर्फ इस बात पर फोकस करना कि घटता हुआ स्लोप और बढ़ता हुआ स्लोप क्या होता है ठीक है चलिए, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं दिया हुआ था इसको सॉल्व करेंगे और भाई मैक्सिमम वेलोसिटी के बारे में कोई जिक्र नहीं है अभी फिलहाल ठीक पहले ड्राइविंग तो सीख लें उसके बाद रेस में पार्टिसिपेट करेंगे पहले बेसिक बातें समझ लें हम लोग चलिए तो जीरो से लेके चार सेकेंड्स तक में एक्सेलरेशन बढ़ते रहा इस बात को आखिर कैसे दिखाया जाए तो शुरुआती एक्सेलरेशन देखिए आप शुरुआती एक्सेलरेशन था जीरो तो शुरुआती स्लोप जीरो होना चाहिए और लगातार स्लोप बढ़ते रहना चाहिए ऐसे यह बढ़ता हुआ स्लोप है कि नहीं घटता हुआ स्लोप ऐसे होता था ऐसे तो यहां पर स्लोप घटना थोड़ी ना चाहिए एक्सेलरेशन तो देखिए लगातार समय के बीतने के साथ बढ़ रहा है इस कारण से यह ग्राफ गलत होता सही ग्राफ क्या होता देखो सही ग्राफ ऐसे होता ठीक ये बढ़ता हुआ स्लोप है अच्छा कांस्टेंट स्लोप कैसा होता है कांस्टेंट स्लोप स्ट्रेट लाइन को कहते हैं उसमें कहीं पर भी हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एक फिक्स एंगल ही रहेगा आगे बढ़े ठीक है अब इसके बाद फिर चार सेकेंड के बाद क्या दिखाया जाना चाहिए था और बेहतर ग्राफ बनाता हूं पिछले बार भी शायद गलत ही हो गया आप सही बनाए होंगे मुझे पता है देखिए एकदम क्लियरली मैं ग्राफ बना रहा हूं और प्रिसाइज ग्राफ एकदम बनाने की कोशिश है चार सेकेंड तक वेलोसिटी बढ़नी तो चाहिए लेकिन एक कर्व बनना चाहिए इस तरह से ये एक कर्व होना चाहिए था ऐसे ये कर्व है ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है इसमें शुरुआत में कम है स्लोप बाद में ज्यादा है स्लोप आई होप क्लियर हूं मैं अच्छा फिर सवाल के मुताबिक चार सेकेंड के बाद क्या हालात हैं? चार सेकेंड से लेकर आठ सेकेंड तक लगातार एक्सेलरेशन जो कुछ भी है लेकिन है तो कांस्टेंट ना तो एक्सेलरेशन का कांस्टेंट रहना आखिर किस तरह से दर्शाया जाता है टाइम ग्राफ में टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन का कांस्टेंट रहना यानी स्लोप का कांस्टेंट रहना कैसे दिखाया जाता है एक स्ट्रेट लाइन से ठीक तो स्ट्रेट लाइन से हम लोग आठ सेकेंड तक ऐसा दिखा देंगे यह एक स्ट्रेट लाइन है मुझे लगता है कि आप बात को समझ गए होंगे यह रहा करेक्ट ग्राफ बिल्कुल ठीक शुरुआती चार सेकंड में लगातार स्लोप बढ़ रहा था दिख रहा है ना आपको बढ़ता हुआ स्लोप वाला कर्व बना दिया और चार सेकंड के बाद से स्लोप में बदलाव आना बंद हो गया ऐसे करके ये एंगल्स इक्वल हैं सभी समझ पाए बात को अच्छा यहीं पर एक और छोटी सी बात यहीं पर एक और छोटी सी बात कि क्या यहां पर एक कोने के जैसा बनाया जाना चाहिए क्या क्या यहां पर एक कॉर्नर आना चाहिए था क्या ये समझते हैं जरा तो देखो बात यह है इसका जवाब इसी ग्राफ में कहीं ना कहीं छिपा हुआ है अगर आप ध्यान से समझें तो शुरुआती चार सेकेंड्स में शुरुआती चार सेकेंड्स में वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है एक्सेलरेशन बढ़ रहा है और एक्सेलरेशन का होना ही वेलोसिटी को बढ़ाते रहता है तो लगातार एक्सेलरेशन बढ़ रहा है लगातार एक्सेलरेशन बढ़ रहा है और इस खास जगह पर जो कुछ भी है एक्सेलरेशन फिर से सुनो जीरो से एक्सेलरेशन बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है एक्सेलरेशन का वैल्यू लगभग दो सेकंड के बाद टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया था एक्सेलरेशन फिर बावजूद इस बात के एक्सेलरेशन बढ़ रहा है बढ़ रहा है, बढ़ रहा रहा है है चार सेकंड के बाद एक्सेलरेशन हो गया फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और उसके बाद एक्सेलरेशन फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का उतना ही मेंटेन रह गया अगले चार सेकेंड तक इसी बात को सेम स्टेटमेंट को मैं पढ़ रहा हूं दोबारा से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बहुत ज्यादा आपके कंसंट्रेशन की जरूरत है देखिए ये बनने वाला जो एंगल है ना ये एंगल लगातार बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है और ठीक चार सेकेंड पर जो भी हो चुका था एंगल ठीक वही एंगल फिर आगे कंटिन्यू कर गया बिना बढ़े तो इसका मतलब यहां पर कॉर्नर नहीं आना चाहिए था इस बात को और क्लियरली बताता हूं मैं इंपॉर्टेंट बात है यह समझने के लिए देखें आ, स्लोप के घटने बढ़ने की बात है और आपको यह बात लिखने की जरूरत नहीं है इस तरह से स्लोप लगातार बढ़ रहा था और बढ़ते बढ़ते खास अंत में जाके जो कुछ भी हो चुका था स्लोप वही स्लोप आगे लगातार मेंटेन रह जाए अगर तो यहां पर कोना नहीं बनेगा कॉर्नर नहीं बनेगा यहां पर ठीक लेकिन यहां पर का स्लोप जैसे यहां पर स्लोप है मान लो टू का यहां पर स्लोप है मान लो फोर का यहां पर स्लोप हो गया है मान लो सिक्स का और अचानक से स्लोप टू हो जाए और कांस्टेंट हो जाए इन सभी जगहों पर स्लोप है टू अगर मान लो तो ऐसे आपको यहां पर ना एक कॉर्नर नजर आएगा लेकिन अगर सिक्स का सिक्स मेंटेन रह जाए आगे की तरफ स्लोप तो ऐसा लाइन जाएगा और यहां पर कॉर्नर आपको नहीं नजर आएगा ठीक है तो आखिर हमारे दिए हुए सवाल में कॉर्नर दिखाया जाना चाहिए था कि नहीं तो नहीं ठीक सिक्स पार्ट में आगे बढ़ते हैं और कोशिश करिएगा इस बार हंड्रेड परसेंट सही करने का ठीक है ना चलिए सिक्स पार्ट सिक्स पार्ट है क्वेश्चन का सेम वही वाला ग्राफ लेकिन इस बार और कठिन रखूंगा ये एक्सेलरेशन देखो घट रहा था घट रहा था चार सेकेंड तक घटते रहा नहीं छह सेकेंड्स तक घटते रहा एक्सेलरेशन और उसके बाद घटना बंद करके और बढ़ना भी बंद करके कांस्टेंट हो गया ऐसे हॉरिजॉन्टल हो गया लाइन इस बात को जरा दिखाइए आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो कुछ भी सीखे हो उन सारी बातों को अप्लाई कर दो और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को एकदम सही सही बना दो तो कोशिश करिए तब तक दोबारा से मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूं कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं और जो कुछ भी आप पूछे होंगे बताने की कोशिश करूंगा अगर मुझे आता होगा तो आप क्वेश्चन पर ध्यान दें चलिए आई होप कई बच्चे जो पूछ रहे थे अच्छा लास्ट वाले क्वेश्चन में कॉर्नर क्यों नहीं बन रहा है इसके बारे में मैं अभी बात कर लेता हूं इसको भी मैथमेटिक्स से बताइए सर ठीक है इसको भी मैथमेटिक्स से बता दूंगा मैं और, और कुछ तो नहीं पूछे हैं अभी तक बच्चे तो मैं बता देता हूं ठीक मैथमेटिकली बताने की कोशिश करता हूं अलग से और लास्ट वाले क्वेश्चन में कॉर्नर क्यों नहीं बना इसको भी बताने की कोशिश करता हूं मैं ठीक है कॉर्नर <coughs> क्यों नहीं बना इस बात को समझने के लिए हमें इस पुराने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को बड़े ध्यान से समझना होगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें बता रहा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें बता रहा है कि एक्सेलरेशन लगातार बढ़ते, बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है और बढ़ते बढ़ते फोर हो जाता है एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और उसके बाद फिर फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही बना रह गया है ना चलिए बहुत बढ़िया तो यहीं पर अगर मैं एक्स वाई एक्सेस बना दूं और स्लोप के बारे में फिर से जिक्र करूं Y और एक्स एक्सेस ऐसे स्लोप पर ध्यान देना तुम ठीक है स्लोप पर ध्यान देना शुरुआत में स्लोप कम है अभी उसके बाद और ज्यादा है स्लोप उसके बाद और ज्यादा है स्लोप और, और उसके बाद जो कुछ भी है स्लोप वही आगे समय के बीतने के साथ बना का बना रह जाए अगर तो इस खास जगह पर कोई कॉर्नर बनेगा ही नहीं फिर से सुनो कुछ समय तक स्लोप कम था उसके बाद स्लोप बढ़ गया उसके बाद स्लोप और बढ़ गया उसके बाद स्लोप और बढ़ गया अब बढ़ना बंद हो जाए स्लोप तो इसका मतलब जो भी ये वाला स्लोप है ना वही स्लोप बार बार रिपीट कर दो फिर वही वाला लाइन बार बार रिपीट कर दीजिए आप तो ठीक इस जगह पर कोना बनेगा ही नहीं समझ सके यही तो हुआ है यहां पर टाइम ग्राफ में टाइम ग्राफ में यहां पर शुरुआत से ही स्लोप लगातार बढ़ते चला गया है ना शुरुआत से ही स्लोप लगातार बढ़ते चला गया और बढ़ते बढ़ते जो कुछ भी हो चुका था स्लोप ऐसे करके स्लोप लगातार बढ़ते चला गया और इस खास जगह पर जो कुछ भी बना था स्लोप वही आगे कंटिन्यू रह गया ऐसे वही आगे कंटिन्यू रह गया है इस कारण से यहां पर एक शार्प कॉर्नर नहीं बनेगा ठीक और क्वेश्चन करते करते और ज्यादा क्लैरिटी आएगी लेकिन फिलहाल इतनी बात से आप कोशिश करिए डाइजेस्ट करने का और क्या कहूँ मैं है ना और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग तो और ज्यादा सोच स्ट्रांग बनेगी और बाकी कई बच्चों का यह पूछना था कि इस क्वेश्चन को यानी फिफ्थ वाले पार्ट को कैसे हम लोग मैथमेटिकली करेंगे तो इस फिफ्थ पार्ट को मैथमेटिकली करने के लिए हमें शुरुआती चार सेकेंड के लिए एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का इक्वेशन लिखना होगा इक्वल्स टू टी है, है जो कुछ भी टी वही है और अगले वाले टाइम पोर्शन के लिए यानी चार सेकेंड से आठ सेकंड तक के लिए हमें अलग से सोचना होगा क्या है एक्सेलरेशन तो इस बार एक्सेलरेशन जो निकल के आएगा वो है डायरेक्ट फोर यूनिट को थोड़ी देर के लिए रोक के रखा हूं अब टी किसका डिफरेंशिएशन होता है इससे पता चला वी जरूर से बराबर है टी बाई टू के। और इस वाले जगह से समझ में आता है अलग अलग ड्रॉ कर देंगे फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यही तो किया हूं मैं शुरुआत में यह वाला जो पोर्शन है ना यह है टी बाई टू का ग्राफ, ग्राफ और यह वाला जो पोर्शन है यह है दरअसल फोर टी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन वाला हिस्सा तो इस तरह से हम लोग प्योर मैथमेटिकली भी डिफरेंशिएशन का उल्टा सोच करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं लेकिन अगेन मेरा बार बार यह कहना है कि आप स्लोप वाली बातों पर ध्यान दीजिए क्योंकि यहीं पर सवालों में आपको फंसाया जाएगा एग्जामिनेशन में किसी भी एग्जामिनेशन में तो आई होप अब तक आप सिक्स पार्ट जरूर कर चुके होंगे सिक्स पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं मैं क्या ग्राफ शुरुआती छह सेकंड के लिए ही सही लेकिन क्या ग्राफ इस तरह से जाना चाहिए घटता हुआ ग्राफ होना चाहिए घटता हुआ स्लोप वाला ग्राफ होना चाहिए कि बढ़ता हुआ स्लोप वाला ग्राफ होना चाहिए तो देखो ध्यान से एक्सेलरेशन का वैल्यू घट रहा है तो पहले तो मेरे बातों का जवाब देना मैं चलो कमेंट्स में चेक करूंगा कि सही बोल पा रहे हैं कि नहीं ठीक मेरा सवाल यह है बहुत सिंपल सा कि क्या शुरुआती में वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है शुरुआती छह सेकेंड्स में वेलोसिटी आखिर बढ़ रही है कि घट रही है यह सवाल है तो जरा आप जवाब दें आ, शायद वीडियो में थोड़ा सा लेटेंसी होने के वजह से मैं अच्छे से समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या सिस्टम है पूरा का पूरा तो चलो मान के चलते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं ठीक है आप शायद ये बोल रहे हैं कि वेलोसिटी घट रही है तो अगर वेलोसिटी घट रही है बोल रहे है हो तो बहुत गलत है ये समझो बात को शुरुआत में ज़्यादा एक्सेलरेशन है बाद में एक्सेलरेशन घट गया और उसके भी बाद एक्सेलरेशन और घट गया लेकिन है एक्सेलरेशन ठीक इसका मतलब यह हुआ कि शुरुआत में वेलोसिटी तेजी से बढ़ रही है उसके बाद फिर वेलोसिटी स्लोली बढ़ रही है लेकिन अभी भी बढ़ रही है उसके और समय बाद वेलोसिटी और स्लोली बढ़ रही है लेकिन बढ़ रही है वेलोसिटी समझे बात को शुरुआती दो सेकंड के दौरान देखो शुरुआती दो सेकंड में शुरुआती दो सेकंड में एक्सेलरेशन ज्यादा है इसका मतलब वेलोसिटी तेजी से बढ़ रही है अगले दो सेकंड में यानी दो सेकंड से चार सेकंड्स में लगातार वेलोसिटी अभी भी बढ़ रही है लेकिन पिछले दो सेकंड के मुकाबले धीरे धीरे बढ़ रही है बढ़ अभी भी रही है और उसके भी अगले दो सेकंड में देखेंगे यानी चार सेकंड से छह सेकंड में देखेंगे तो और स्लोली वेलोसिटी बढ़ रही है क्योंकि एक्सेलरेशन कम हो गया है लेकिन अभी भी बच्चों वेलोसिटी बढ़ ही रही है और दरअसल बात यह है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जिसका नाम एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन समय के बीतने के साथ घट रहा है यानी स्लोप घट रहा है और घटता हुआ स्लोप कैसा दिखाया जाना चाहिए छह सेकेंड्स के दौरान अगर तुम्हें लगता है कि अब सही कर सकते हो ग्राफ को तो बिल्कुल पहले सही कर लो उसके बाद ही सॉल्यूशन को देखो चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं अब फाइनली शुरुआती छह सेकंड्स के लिए शुरुआती छह सेकंड्स के लिए हमें दिखाना क्या है कि स्लोप घटना चाहिए शुरुआत में स्लोप है और बाद में स्लोप घट रहा है ऐसे ठीक है यह कोई खास वैल्यू क्या रहेगा ये पता नहीं है हमें लेकिन छह सेकंड्स तक के दौरान स्लोप लगातार घटते चला जाना चाहिए था ऐसे और घटते घटते क्या एकदम यहां पर स्लोप जीरो होगा क्या क्या यह स्लोप जीरो होगा क्या यह अगर मैं पूछूं आपसे तो चलो चेक कर लेते हैं छह सेकंड पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जिसका नाम एक्सेलरेशन होता है वो जीरो है क्या आप चेक करिए क्या छह सेकंड पर एक्सेलरेशन जीरो है नहीं है इस वजह से यह ग्राफ गलत हो गया इसको सही करते हैं और प्रिसाइज बनाते हैं यह ग्राफ होना चाहिए था कैसा तो देखो ऐसा कि छह सेकेंड्स तक के दौरान स्लोप घटना तो चाहिए था लेकिन घटते घटते जीरो नहीं हो जाना चाहिए था ऐसे जाना चाहिए था ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ठीक और एकदम अंत में मैं स्लोप को देखूं तो यह ऐसे झुका हुआ है ये ऐसे झुका हुआ है ये हॉरिजॉन्टल बिल्कुल नहीं है समतल एकदम नहीं हो गया ये ठीक तो यह शुरुआती छह सेकंड की बात हुई अच्छा अब इसके बाद क्या होता है इसके बाद क्या होता है कि यही स्लोप समय के बीतने के साथ आगे मेंटेन रह गया समय के बीतने के साथ ये स्लोप में बदलाव आया ही नहीं और यह जो अभी अभी मैं बनाया हूं यह एक स्ट्रेट लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन है दरअसल ठीक छह सेकेंड से पहले भी क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है नहीं ये एक कर्व है, कर्वड है ये। और ये जो कर्व बना हुआ है इसमें शुरुआत में एंगल ज्यादा है और बाद में एंगल इस एंगल को अगर मैं बीटा बोलूं तो बाद का एंगल कम है अल्फा ज्यादा है बीटा के कंपैरिजन में समझ गए क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट पार्ट आपका इंतजार कर रहा है सेवेंथ पार्ट सेवेंथ पार्ट है क्वेश्चन का देखिए सेवेंथ पार्ट है सवाल का इस बार तो पक्का नहीं कर पाओगे इस बार ऐसा बना रहा हूं देखना कुछ समय तक एक्सेलरेशन बढ़ते रहा ठीक और उसके बाद फिर से जीरो से शुरू हुआ एक्सेलरेशन और फिर से कुछ समय तक बढ़ते रहा एक्सेलरेशन ऐसे फिर से कुछ समय तक एक्सेलरेशन जीरो से शुरू होकर बढ़ते रहा और यही काम बार बार रिपीट हो रहा है एक बार कोशिश करो इसको समझने का और फाइनली वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करने का अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए कि एक बार में सही हो जाए ठीक और अगर गलत भी किए होगे तो खुद से कोशिश करो उसमें गलती भी ढूंढने का ठीक चलिए आप कोशिश करिए सॉल्व करने का चलिए यह क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं आ, सिर्फ मैं शुरुआती दो सेकंड को अगर देखूं तो इस दो सेकंड के दौरान वेलोसिटी नहीं 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 एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन लगातार जीरो से बढ़ता जा रहा है और बढ़ते बढ़ते टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो गया मानते हैं इस बात को अच्छा फिर अगले दो सेकेंड में भी एक्सेलरेशन जीरो से शुरू होकर फिर से टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो गया इसको जरा रियलाइज करो सच में क्या हो रहा होगा एक मोटरसाइकिल है जिसमें एक्सेलरेशन शुरुआत में बिल्कुल नहीं है और एक्सेलरेशन धीरे धीरे करके मैं बढ़ा रहा हूं एक्सेलरेशन और बढ़ाते बढ़ाते दो सेकंड तक बढ़ाते रहा एक्सेलरेशन फिर एक्सेलरेटर छोड़ दिया हाथ छोड़ दिया मैं हैंडल से तो एक्सेरेशन जीरो और फिर से हाथ से पकड़ा एक्सेलरेटर को और फिर से जीरो से शुरुआत से फिर से बढ़ाना शुरू कर दिया मैं एक्सेलरेशन को अगर आप अपनी गलती ढूंढ पा रहे हैं अपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो बिल्कुल उसे सही कर लीजिए पहले मैं इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को क्लियरली बनाना चाहता हूं इस वजह से यहां पर दिखाऊंगा कोशिश करो कम से कम ये क्वेश्चन में कोई गलती ना हो भाई मैं आसान आसान क्वेश्चन बिल्कुल आपसे पूछ सकता हूं लेकिन ना तो मेंस वाले पूछेंगे आसान सवाल आपसे ना तो नीट वाले पूछेंगे तो इसको जरा दिखाइए प्रॉपरली कि कैसा होना चाहिए ग्राफ तो पहली बात जीरो से लेके दो सेकेंड्स के दौरान स्लोप लगातार वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए कि कांस्टेंट रहना चाहिए तो स्लोप लगातार बढ़ना चाहिए स्लोप को लगातार बढ़ते हुए आखिर कैसे दिखाया जाए दो सेकेंड्स तक दो सेकेंड्स तक स्लोप को लगातार आखिर बढ़ते हुए कैसे दिखाया जाए तो दिखा देता हूं मैं ये देखिए स्लोप लगातार बढ़ते गया, ऐसे ये बढ़ता हुआ स्लोप वाला ग्राफ हो गया अब फिर दो सेकेंड के बाद वेलोसिटी कभी भी घटा नहीं दो सेकेंड के तुरंत बाद देखो दो सेकंड के तुरंत बाद स्लोप हो जाना चाहिए था जीरो दो सेकंड के तुरंत बाद स्लोप हो जाना चाहिए था जीरो मतलब ग्राफ ऐसा जाना चाहिए था दो सेकंड के तुरंत बाद और उसके और उसके समय बाद ऐसे उठ जाना चाहिए था फिर क्यों देखिए ध्यान से दो सेकंड के तुरंत बाद स्लोप फिर से जीरो हो गया और उसके बाद फिर से स्लोप थोड़ा सा बढ़ गया बढ़ गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप बढ़ रहा है ना क्योंकि एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो से लेकर लगातार बढ़ते जा रहा है तो फाइनली यहां पर क्या दिखाया जाना चाहिए था फिर से जीरो से स्लोप ऐसे करके बढ़ रहा है स्लोप आप बोलेंगे सर हमने ऐसे दिखा दिया था तो यह गलत हो गया गलत क्यों हो गया क्योंकि वेलोसिटी जो कुछ भी बनी थी वो अचानक से जीरो कैसे हो जाएगी उसके लिए तो बहुत जबरदस्त कम समय में वेलोसिटी का चेंज चाहिए जो कि ग्राफ में ऐसा नहीं दिया हुआ है ग्राफ में ऐसा बना हुआ है ग्राफ में कैसा बना हुआ है इस ग्राफ को देख के मैं वेलोसिटी के बारे में चर्चा कर रहा हूं फिर से इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को देख करके मैं वेलोसिटी के बारे में चर्चा कर रहा हूं ठीक वेलोसिटी, मत बढ़ाओ यार धीरे धीरे बढ़ाओ यार वेलोसिटी, तेजी से बढ़ाओ वेलोसिटी एकदम तेजी से बढ़ाओ वेलोसिटी ये होता है एक्सेलरेशन के बढ़ने का मतलब फिर से शुरुआत में बिल्कुल यार एक्सेलरेशन मत बढ़ा तो, सॉरी वेलोसिटी मत बढ़ाओ यार वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ा दो वेलोसिटी को तेजी से बढ़ाओ वेलोसिटी को बहुत तेजी से बढ़ाओ अब दो सेकंड के बाद की बात वेलोसिटी को मत बढ़ाओ ये रहा फिर वेलोसिटी को धीरे धीरे बढ़ाओ फिर वेलोसिटी को तेजी से बढ़ाओ फिर वेलोसिटी को एकदम तेजी से बढ़ाओ तो हमेशा तो बढ़ाते ही रहे ना ठीक दो सेकंड के तुरंत बाद बढ़ाना थोड़े समय के लिए बंद भी किए लेकिन बाकी सभी समयों पर वेलोसिटी को तो बढ़ाते ही रहे तो घटेगा क्यों वेलोसिटी हमेशा ही वेलोसिटी बढ़ते ही रहना चाहिए था इस तरह से जाएगा यह कर्व बार बार इस तरह से जाना चाहिए यह कर और हर बार स्लोप जीरो से बढ़ के कुछ ना कुछ हो जाएगा कितना हो जाएगा टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा टाइम ग्राफ का स्लोप समझ सके होंगे बात को तो यही इस वीडियो लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन था समय की थोड़ी सीमा है आ, आगे से मैं कोशिश करूंगा कि टेक्निकली कोई दिक्कत ना हो पहली बार था मुझसे भी गलतियां हुई हैं आगे से ख्याल रखेंगे ठीक अच्छा नेक्स्ट बात कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको असाइनमेंट नंबर फाइव मैं कुछ समय में दे दूंगा लेकिन अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो आपको असाइनमेंट नंबर फाइव मिल चुका होगा और पहले ही मैं इस बात को बताया था आपको कि असाइनमेंट नंबर फाइव को सॉल्व करना शुरू कर दो भले ही तुम क्वेश्चन को ना कर पाओ बावजूद इस बात के उनके सारे क्वेश्चंस को असाइनमेंट नंबर फाइव के सारे क्वेश्चंस को करने के लिए एडी चोटी लगा दो बिना कहीं से सॉल्यूशन देखे हुए ठीक और क्वेश्चन नंबर एट ये तो सिर्फ और सिर्फ आधारित है उसमें ग्राफ पर जो हमने अभी अभी सीखा है उसी का थोड़ा सा और डिफिकल्ट वर्जन है वहां पर तो अपनी सोच को थोड़ा चैलेंज करिए एक एक क्वेश्चन पर समय बिताइए और सीखिए ग्राफ्स को इस बात को याद रखना कि जब तक तुम खुद से कोशिश नहीं करोगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का पूरी ताकत लगा के है ना तब तक आप अल्टीमेटली सीख नहीं पाएंगे दूसरे के क्वेश्चन को सॉल्व करने से आप नहीं सीख पाओगे चाहे जो हो जाए यह सिंपल सा रूल है तो पूरा काम आपको जो करना है इस वीडियो लेक्चर के बाद वो है असाइनमेंट नंबर फाइव को कंप्लीट करना और एक दिन के अंदर अब मैं आपको इस असाइनमेंट नंबर फाइव का डिटेल्ड सॉल्यूशन भी दे दूंगा कि कैसे करके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है मैं लेकिन ये चाहता हूं कि आप सॉल्यूशन को देखने के पहले या कहीं से भी सॉल्यूशन को देखने के पहले आप सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लीजिए भले ही एक दो क्वेश्चन गलत ही क्यों ना हो जाए ठीक चलिए भाई तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग फ्री फॉल के बारे में बात कर रहे होंगे कुछ समय तक ग्राफ के बारे में बात करेंगे और उसके बाद फ्री फॉल में बात करेंगे मतलब एक ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया गया तो वो किस हालत में रहता है ठीक किस हालत में गिर रहा होता है क्या डिस्प्लेसमेंट क्या वेलोसिटी होता है इसी पर चर्चा रहेगी हमारी ठीक है मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में